अब लेकर कैसे आनी है, है? लेकर कैसे आनी है, लेकर कैसे आनी, जाओ हंसा जाओ थाना जाओ उधर का नहीं आओ थाना मैं साथ आ जाएगा। और हमारी जो है बाइक वो एक जो गार्ड है यहाँ का वो उठा के ले गया और थाने में दे दी। तो दोस्तों आप सभी का एक नए रोमांचकदार व्लॉग में तो हुआ ये कि मैंने नई टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उनका कहना है कि तुम ये नहीं पहन के जाओगे बाहर और कुछ पहनो। सारे कपड़े यार मेरे पास गर्म है, क्या पहने यार बंदा, मुझे तो समझ नहीं आता। आजकल जो है मुझे चेन वेन पहनने का ना बहुत शौक चढ़ गया, मतलब घड़ी चेन ये सब चीज़ें। तो अभी मुझे 3-4 काम है, बैंक जाना है मुझे, एक तो SM का काम करवा के आना है, उसका कुछ कोड निकलना है तो वो निकाल लूँगा, पासवर्ड चलो एक तो पासवर्ड निकाल के लेकर आना है। और मुझे एक दूसरे बैंक में जाना है, उसमें मेरा जो है डेबिट कार्ड नहीं चल गया तो वो मुझे रिन्यू कराना है। एक्सिस का बैंक भी है यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, नया नया खुला ही है हमारा दोस्त अभी। मैंने एक टी शर्ट पहन रखी थी, वो कहता भाई दूसरी पहन का बढ़िया नहीं लगती, मगर ठीक है पहना। तो अभी बैंक जाके देते हैं, पता है इन सरकारी बैंक की क्या दिक्कत हो गई, तुम लोग भी ना जाते हो गए SBI वगैरह के जो भी बैंक होते हैं सरकारी बैंक, ये परेशान बहुत करते हैं यार। सीधी साधी बात नहीं बताएंगे, टाइम बहुत लगाएंगे, खड़ा करके रखेंगे। अब मैं जैसे टाइम पे रहा हूँ उनका लंच टाइम हो ही नहीं सकता। बैंक तुम्हारी शायद खुला हुआ है ना, क्या बंद है? बैंक को भी ना ऐसे रखते हैं कैद खाना बना के। यहाँ के बैंकों का तुम देखोगे ना कैद खाना भाई, भाई खुला नहीं है क्या, आज बंद ही है? अच्छा कल मिलेगा, कल 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 किस टाइम? 10 बजे। मैंने आप सभी लोगों को बताया था लैंडी बैंक बहुत मुश्किल से खुला हुआ मिलता है, तो कल खुलेगा, कल सुबह आके कराऊंगा मैं जो भी काम है, वो काम हो एकदम जाएगा बस आने की बात। तो भाई एक्सिस बैंक आए हम, खुला है? कितने बजे बंद हो जाता है? बड़े जल्दी बंद हो जाता है, देख लो हो जाए तो छोटा सा काम है हमारा। अरे डेबिट कार्ड रिन्यू कराना है मुझे, रिन्यू। हाँ जी एक्सिस बैंक का जो हमारा काम था वो तो हो गया। अब मुझे ना एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, तो मैं गया एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में जाके तुरंत काम हो गया एकदम फटाफट। उसने सारी चीज़ें बता भी दी, मोहब्बत से बिठाया उसने प्यार से कि जी सर आप हुजूर करके। और SBI गया था वो बंद था, और कल देखो मैं SBI जाऊँगा ना, मैं तुम्हें दिखाऊँगा वो कैसे बात करते हैं। SBI वालों का ऐसा होता, पहली बात तो वो तुम्हें भाव ही नहीं देंगे, वो समझते हैं तुम उनके बाप के नौकर हो, ऐसा समझते हैं वो अपनी साइड से। वो तुमसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब तुम उससे पूछोगे ना 10 बार तब जाके वो एक बार तुम्हें रिप्लाई देंगे। तो अभी मैं फ़ोन का गार्ड लगवाने जा रही हूँ, फ़ोन का नहीं सॉरी कैमरे का, जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसमें मुझे गार्ड लगवाना है, तो वो गार्ड लगवाना है, उसके बाद में फोन यूज़ करेंगे। और घर पर एक आज बहुत बढ़िया चीज़ आई है, वो अभी जाके दिखाऊंगा मैं। तो बहुत दिन से हो रहा था कि घर पे गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, कुछ तो लगवा दो, आज आइए देखते हैं हिसाब, देखते हैं घर जाके दिखाता हूँ क्या है। तो भैया सुबह सुबह उठा था मैं, और सुबह सुबह उठ के मुझे 3-4 काम निपटाने हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि ये सीन हो रहा है। मैं SBI गया था, लेकिन SBI कल बंद था, तो SBI आज खुल गया होगा, जाके देखते हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि उनका लंच टाइम ना हो, अगर उनका लंच टाइम होगा तो वो मना कर देते हैं। सरकारी बैंक का भाई बड़ा ही बुरा हाल है। और घर पे मैंने तुम्हें दिखाया नहीं कि घर पे AC भी आ गई है, लेकिन अभी AC लगी नहीं है, पता नहीं AC ऑनलाइन मंगाई थी, लगाने वाला आया नहीं, आ गया और 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में आएगा, चलो आज AC भी लग जाएगी, तो मतलब रात को चैन सुकून से मैं सो सकता हूँ। तब कहाँ मिलेगी बाइक कहाँ मिलेगी? बाइक थाने में ले जाओ। अच्छा अब छुटवा के ले आओ, कोई कह दो कोई, वो तो पैसे लेंगे नहीं, कैमरा लग रहा ना चेक कर लो ना, थाने में लेके बात कर लो थाने में, वो अभी आए
लोक तो लगा हुआ था मेरा। अहमद हसन तुम्हारा नाम? नहीं नहीं, और नाम तो मेरा वो है मोहम्मद रागी। मोहम्मद रागी अहमद हसन कहाँ थे आप? यही तो थे, यही तो थे। आपने जब कहा था मैं लोक लगा गया था भाई तुम्हें। चलो बात करो, उसका लोक खड़ा कर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। अरे माना है, बोल मुझे सब बैंक वालों से पूछो तो कम माना, माना कहीं नहीं मुझे माना। सर मैं आपके सामने जब बोल मचा रहा था, आपके सामने मैं लोक लगा गया भाई तुम्हें सर। लोग था? हाँ मैंने सारे अड्डा वाले को पता, मैं नहीं नहीं मेरी बाइक में लोग। आप अभी तो थाने जाओ, आप थाने दे मतलब आज सुबह आपको ठीक है नहीं, आप चला कर लेके गए उसको। हाँ लेके गया, चला का क्यों हो गया पैदल के? हैं क्यों लोग खुला था उसको? और क्यों लोग नहीं लोग? अरे लोग लगा हुआ यार, क्यों लगा होता? और गाड़ी ना खड़ी है, अब लेकर कैसे आनी है? लेकर कैसे आनी है? लेकर कैसे आनी? जाओ हंसा जाओ थाना जाओ, उधर का ले आओ थाने। मैं तो साथ का हमारा काम ये थोड़ी को कह रहे हैं, वहाँ से आएगी कैसे गाड़ी? वो तो पूछेंगे हमसे। पूछेंगे भाई, बता दो कहाँ गए थे, कहाँ है तुम? अरे हम तो यहीं खड़े थे जब से। यार तुम अगर बैग में होते हो तो मैं ना आवाज मारी। अरे मैं पूछवा देता हूँ। अरे भैया मैंने कहीं नहीं गई मैं, आप कैमरा चेक करा, आप कैमरा चेक करा। मैं मैनेजर साहब से पूछवा देता हूँ, आपके एप्लीकेशन पे साइन। नहीं मैं पूछवा देता हूँ, मैं बात करा दूँ। अच्छा जिसके नाम पे गाड़ी है वो? हाँ अहमद हसन। हाँ वो गाड़ी जो इसके नाम पे है, अहमद हसन के नाम पे क्यों होती है? समझ रहा है। अच्छा तो वहाँ थाने में जाऊँगा मैं, दे देंगे वो गाड़ी। राम कुमार सिंह, ठीक है जी। राम कुमार सिंह जाओ। हाँ ठीक है मैं कह देता हूँ, वो दे देंगे। ओके देवी और सज्जनों, एक बहुत ही बेहतरीन काम हो गया है हमारे साथ में। हुआ ये कि हम एटीएम वहाँ बैंक में काम कराने आए थे कुछ, और हमारी जो है बाइक वो एक जो गार्ड है यहाँ का वो उठा के ले गया और थाने में दे दी। पता नहीं उसको क्या चुल मची, क्या हुआ, वो थाने में क्यों दे आया बाइक। उसका कहना ये है कि तुम्हारी बाइक में लॉक नहीं लगा था, और लॉक हम लगा के आए थे। जब उसने दूसरी बार कहा हम फिर भी लॉक लगा के आए, लेकिन उसका कहना है तुमने बाइक में लॉक नहीं लगाया, इसकी वजह से मैं तुम्हारी बाइक थाने में दिया है, क्योंकि तुम्हारी बाइक की तुम्हारी खुद जिम्मेदारी है, अगर तुम लॉक नहीं लगाओगे चोरी वोरी होगी, हमारी खुद जिम्मेदारी है। चलो बात सही है उसकी। दूसरी बात वो कह रहा है कि मैंने बैंक में बहुत रोल मचाई, रोल पुकारा करा बुलाया, किसी ने नहीं सुनी मेरी। मैं तब से बैंक में हूँ, बैंक से मैंने एक कदम अपना बाहर नहीं रखा, और वो हमारी बाइक थाने में भी आया। अब मैं धूप में पैदल जा रहा हूँ बाइक लेने थाने में से। अब थाना वाला एसओ हो कोई भी हो, अब ये लोग कहेंगे कि भाई थाने में तो गाड़ी वो देख के गया है बैंक वाला, हमें पता नहीं तुम्हारी गाड़ी कैसी आई है। वो हमसे लेगा पैसे, बिना पैसे के वो गाड़ी छोड़ेगा नहीं। तो मुझे बात करनी पड़ेगी, कैमरा है मेरे पास में, पता नहीं मैं क्या बात करूँगा। वहाँ मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है, उसकी आवाज़ आ रही है उसमें कि भाई ऐसे ऐसे थाने में जाके तुम बाइक ले लो, मेरा नाम यू है, मैं थाने में बाइक देख के आया हूँ। तो वीडियो मैं दिखा दूँगा उनको थाने में जाके, जिससे वो बाइक दे दें, बाकी देखते हैं। पहले तो मुझे लगा एकदम से ना, जब बैंक से बाहर आया ना मैं कहा यार बाइक गायब कहाँ है, मुझे लगा चोरी हो गई। फिर अंदर जाके गार्ड से पूछा, साला कोई दिन ना तमीज़ का जा ही नहीं दिया, एक भी दिन तमीज़ का नहीं जा रही है। गर्मी ऊपर से इतनी हो रही है, उस सूरज को देखो, और कुछ ना कुछ हो ही जा रही है यार। तो भाई ये जान पहचान के भैया मिल गए हमारे। क्या नाम है तुम्हारा? आदिल भाई। क्या आदिल? आदिल। तो आदिल भाई हमें थाने में लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर। भाई कैमरा बंद कर लो कभी, इस पर दिमाग ख़राब हो जाएगा। हमारी गाड़ी का सुबह सुबह चलान हो गया, पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती का। खींचो भाई फोटो। तो भाई देखो ऐसे होता है, अभी खींचो खींचो आप खींचो, मैं थाने में चलान कटा कर रहा है, फोटो खींचो रहा है। हो रही है हमारी गाड़ी, जवान हो गया। पहचाना नहीं ना? हाँ हाँ मैंने पहचाना जी जी। चलिए आइए घर पे आइएगा। तो भाई गाड़ी अपनी मिल गई, हो रही 1000 रुपये का चलान कटा है। मैंने उसके सामने ना कह दिया, मैं कहा पता नहीं हमारा चलान क्यों काटा। मैं सही बताऊँ यार, हमारी ना गलती भी नहीं थी, हमारी गाड़ी में लॉक भी था, हमारी गाड़ी में लॉक भी था। अब इसका लॉक जो है ख़राब हो रहा है, लॉक लगाया था पता नहीं उसने किस चाबी से खोला, क्या खोला, कैसे करके खोला, गाड़ी ले गया वो। और हम लोग बैंक के अंदर भी थे, ब्लॉग भी बना लिया था ना, तुमने देखा होगा। अब थाने वाने में आके बहस करो ना यार, फिर ये और चीज़ों को ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, ज़ोर से बोल लेंगे, बदतमीजी से बोलेंगे।
फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, उसको भी गुस्सा आ गया। तो मैं ये थाने वाने में आ गया ना, मैं बहुत ही आराम से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बहुत ही आराम से बात करूँ। मैंने 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 उनको बताया, वो जो थे पुलिस वाले, कि तुम क्या करते हैं। मैं कहा जी मैं तो यूट्यूबर हूँ। अच्छा तुम यूट्यूबर हो, मतलब तुम वेल्ले हो, नल्ले हो, तुम कुछ नहीं करते। तो उसको पता चल गया ऊपर से कि मैं यूट्यूबर हूँ। और हुआ क्या, जब मैं थाने में घुस गया था ना, एक और पता चल गया उसको इस वजह से। जब मैं थाने में घुस गया था, तो थाने में घुसने के बाद फ़ोटो वोटो खिंचाने लग गए कुछ बच्चे, मतलब थाने के बाहर ही। तो पुलिस वाले ने देख लिया, उसको लगा तो ये तो पता नहीं कौन आदमी है, तो इसलिए उसने चालान काट लिया। खैर कोई बात नहीं, बट एक ही बात है कि इनके सामने, पुलिस वालों के सामने ऐसे खड़े मत रहो, इनको पापा मत बना लो अपना। अगर कहीं पे जाओ, अगर ये एक दो बारी में गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनके सामने ज़्यादा रिक्वेस्ट मत करो, अगर तुम्हारे पास चालान के पैसे हैं तो। क्योंकि भाई रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है नहीं, बाद में तुम्हें बुरा लगता है कि इतनी रिक्वेस्ट करी और इन्हें फिर भी चालान काट लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे नए नए काम होते हैं यार अपने साथ। तो भाई ये एसी है, मतलब ये एसी का पंखा है, एसी लग रही है ऊपर, गर्मी बहुत हो रही थी, नहीं रह जा रहा था। अब मैं यहाँ एक दो दिन रहूँगा, एक दो दिन शायद एसी में रह लूँ, शांति से अपना काम कर लूँ। मैं ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि कैसी गर्मी हो रही है, कहाँ कहाँ से पसीने निकल रहे हैं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या होगा 5-6 साल में, अगर इतनी गर्मी रही तो आदमी तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता फिर, नॉट पॉसिबल। भाई ए सी लगाने में बड़े ताम झाम है, ए सी मंगवा ली, अब ए सी लगाने में पूरा दिन चला जाएगा। क्या ए सी है, तार वार डलते वो छत पे जाते हैं, दुनिया भर के काम यार। लो भाई ये एसी तो यहाँ लग गई, अब जो चल जावा किसी तरीके से, तो उसमें बैठ के कुछ बढ़िया भी लगे। अब आप रहना गर्मी में तो नहीं रहोगे, बढ़िया है। ऊपर कुछ करने गया है वो, पता नहीं क्या करने गया है। मैं ना छत पे बैठा था, तो मेरे घर में ना बच्चे आके कुछ जाते, इनको कोई रोकता नहीं है, ये मेरे घर वाले बहुत सीधे हैं। वो जा रही मेरी अम्मी, बुरा बच्चे, किसने एंटर किया तुम्हारे घर में, हैं? अम्मा से पूछा था। अम्मा ने कह दिया चले जाओ, तुम आ गए। तुम जानते हो मुझे, कौन हूँ मैं? चिलगेमर, मैं तो नहीं हूँ भाई, चिलगेमर तो और कोई है। जाओ, थैंक यू आप लोग आए, ऐसे घर में नहीं आते हैं ना, अच्छी बात नहीं होती। मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मम्मी ऐसा ना आया, सलाम अलैकुम जी, मुबारक। हाँ मैं चल रहा था। पापा ऐसा ना आया है, सलाम अलैकुम जी, ठीक है भैया की मर्जी। तो भाई ऐसा ना आया मुंबई से, जो इसकी हालत तो एकदम बढ़िया रहती, मैं चूतिया लगता हूँ हमेशा। मेरी एकदम मजदूरों वाली हालत होती है। देखो मैं तुमसे पहले कहता था ये गरीब गरीब परिवार। अच्छा गरीब घर परिवार से ये बेचारा, इसको सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, इसे ज़रूरत है। ये बच्ची जो आप रिक्शा में देख रहे हैं, तो पता है मैं बड़ा खुश हुआ कि तेरा वो काम हो गया। तो जैसी बैंक से निकला गाड़ी का ब्लॉग बना लेता थाने में, थाने में ब्लॉग बनाया। तो पता क्या हुआ, इसमें बता दूँ तो, पता थाने में क्या हुआ, जब मैं उससे बात बात करके आ गया, तो वो गाड़ी मेरी बाहर को लेकर आया, तो मैं ब्लॉक कर रहा था, तो वो अपने मोबाइल में चलान काट रहा था गाड़ी का। तो मैं ब्लॉक में कह रहा, पता नहीं मेरी बिना फालतू की गाड़ी पकड़ ली।
वो मेरे सर हो गया कि तू ऐसे क्यों कर रहा है मेरा बाल सर नहीं मैं एक बार बताऊं ये कहां का रूल है कि तुमने लॉक करके अपनी गाड़ी हां नहीं ये तो कोई रूल नहीं अपनी गाड़ी बिल्कुल इसमें बोल है ना कि अब मैंने उससे कहा मैं इसमें व्लॉग में कह रहा था मैं कहा अपनी गाड़ी और ये बंद करके खोल के हम खड़ी कर देते कौन सा रूल है पुलिस वाला गाड़ी उठा के ले जाएगा या तो नो पार्किंग फिर पता वो क्या शुरू हो गया कि अब तू गाड़ी पे बैठा है हेलमेट दिखा ले लाइसेंस दिखा चला ली मैंने चला ली मैंने जबरदस्ती प्यार कर रहे चला ली मैंने बोल देते चला रहा हूँ मैं अब फिर यार मैं उससे कितनी बहस करता है पुलिस पुलिस वाले से तो पता कितनी बहस कितनी बहस कर लो अगर वो देखो एसी हमने मंगवा ली थी एसी लग भी गई है लेकिन एसी चल नहीं रही लगने के बावजूद भी वो केबल वेबल का कुछ हिसाब हो रहा है हमारे घर की फिटिंग भी ख़राब है लाइट की देखते हैं जब चल जाएगी मैं तुम्हें दिखाऊँगा कैसी हवा आ रही है सत्रह डिग्री चार दिन तक गर्मी में बैठा हूँ और पाँचवें दिन एसी आ गई तो हुआ ऐसा कि सुबह सुबह मैं तो अपनी छत पे मस्त वीडियो बना रहा था तो ये आए ये मेरे रिश्तेदार हैं कहाँ हैं ये रहे और ये भी मेरे रिश्तेदार हैं जितने भी लोग मैं हूँ भाई धामपुर से मैं धामपुर से आया हूँ अच्छा। तो भाई चिल भाई से मिलने मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चिल भाई का अच्छा। तो मैं इनसे मिल रहा था तो ये आए हम करीबन 12 बजे से बैठे हैं तो अच्छा। चिल भाई आए थे तो इन्होंने मैंने कहा चिल भाई ब्लॉक में ले लो ये बहुत बढ़िया है चिल भाई अच्छा हाँ ये तारीफ फेंक रहा मेरी झूठी चलो बाय है ना।